ये ध्यान से सुने सभी संस्थान कि व्यर्थ में नहीं जाने देगा ये देश राजीव गांधी का बलिदान। इसलिए हमारा आदरपूर्वक निवेदन और आह्वान है न्यायालय को कि नहीं दें गुनहगारों को जीवनदान। देखिए, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए, प्रतीत भी होना चाहिए। आज उच्चतम न्यायालय ने 6 ऐसे व्यक्ति जो दोषी या अभियुक्त नहीं हैं लेकिन कन्विक्टेड हैं एक ऐसे फौजदारी कारनामे के लिए जो एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का कारनामा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक रंग कुछ भी हो, एक पदासीन प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री पे घातक हमला और मृत्यु और हत्या भारत की अक्षुण्णता, संप्रभुता, भारत के अस्तित्व को अटैक करता है, उस पर आक्रमण करता है। इसमें कोई राजनीति का रंग नहीं होता। और ऐसे एक जो अपराध है, जघन्य अपराध, उसके लिए आप आम तौर वाले प्रशासनिक कारणों से 6 लोगों को और एक व्यक्ति को पहले मई 2022 में रिहा नहीं कर सकते। ये कांग्रेस का आदरपूर्वक स्टैंड है उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विषय में। देखिए, आपको पता है, सबको, पूरा देश, पूरा विश्व जानता है कि आप कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते कि न्यायपालिका के एक सौहार्द्र से ऐसे घिनौने, ऐसे जघन्य अपराध के लोग जो अभियुक्त नहीं है, कन्विक्ट हैं, जिन्होंने सोच समझ कर, प्लानिंग करके एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की, उसको न्यायपालिका किसी रूप से फायदा दे रही हो। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने खुद ने बार बार कहा है कि सिर्फ अगर आपने कुछ समय कारागार के पीछे बिताया है वो कारण नहीं हो सकता रिहाई का। कई निर्णय हैं, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज नारायण एक निर्णय है। हर केस को उसके संदर्भ में देखना पड़ता है, और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या से बड़ा संदर्भ कोई नहीं हो सकता। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने बहुत हद तक एक सर्वोपरि प्रधानता दी है तमिलनाडु प्रदेश के स्टैंड को कि उनको रिहा करना चाहिए। हमारा आदरपूर्वक निवेदन है कि अंतिम शब्द तमिलनाडु सरकार का नहीं होता, अंतिम शब्द उच्चतम न्यायालय का होता है, कोई भी स्टैंड लिया हो तमिलनाडु सरकार ने। इस संदर्भ में मैं 5-6 प्रश्न बड़े संक्षेप में पूछना चाहता हूँ, बल्कि प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पूछना तो नहीं है, प्रस्तुत करना चाहता हूँ देश के सामने आपके जरिए। पहला, कि जो जघन्य अपराध पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में निहित है, क्या उस केस में आप इस प्रकार का प्रेफरेंशियल शब्द महत्वपूर्ण है, ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन लोगों को जो कन्विक्ट हो चुके हैं उच्चतम न्यायालय तक ऐसे जघन्य अपराध के लिए? दूसरा, भविष्य में इस प्रकार के अपराध या इससे कहीं ज़्यादा, कहीं कम गंभीर अपराध, कम गंभीर अपराध, उसमें उच्चतम न्यायालय मना कैसे करेगी रिहाई का, अगर ये प्रिसिडेंट मान लिया गया तो? तीसरा, अगर रिहाई का कारण स्वास्थ्य अस्वस्थता है, अगर रिहाई का कारण काफ़ी समय बिता देना है जेल में, अगर रिहा का कारण अच्छा एक कॉन्डक्ट है जेल के पीछे, तो मैं समझता हूँ कि ये हज़ारों ऐसे व्यक्तियों को लागू होता है, लाखों को, जो आज गलत चार्जेस पे भारतीय जेल्स में पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय किसी रूप से एक तरफ ध्यान नहीं दे सकती और उन सबको भुला दे या उनकी विद्यमान होने की प्रक्रिया को इग्नोर कर सके। चौथा, पूर्व प्रधानमंत्री का जो एक हत्या होती है वो, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये चौथा मुद्दा, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, जैसे मैंने कहा, भारतीय संप्रभुता, अक्षुण्णता, भारत की इंटेग्रिटी का विषय है। राजनीतिक रंग कोई भी हो, प्रधानमंत्री पदासीन हो या पूर्व हो,
ये भारत पर आघात होता है, उसको आप आम कोई अपराध नहीं मान सकते और उसको आम प्रशासनिक कारणों से रिहाई नहीं दे सकते। ये बड़ा रोचक मामला था। पांचवा मेरा बिंदु, याचक रिहाई चाहते थे, जो मुख्य प्रतिपक्ष था प्रदेश सरकार वो उनका समर्थन कर रही थी। इस सिनारियो में मैं समझता हूँ उच्चतम न्यायालय बाध्य था कि केंद्र सरकार जो विद्यमान थी उनके मत को भी पूरा वजन दे, ज़्यादा वजन दे। केंद्र सरकार ने कुछ भी कहा हो लेकिन ये तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के मत से असहमत थी, लेकिन प्रदेश सरकार के मत को इतना ज़्यादा वजन देना कानूनी रूप से गलत है, जबकि केंद्र सरकार ने कभी उस मत से सहमति प्रकट नहीं की। छठा, इस परिणाम का एक बड़ा विशेष, एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम भी हो सकता है इस निर्णय का, और वो आश्चर्यजनक परिणाम ये है कि प्रदेश सरकार का जो भी सुझाव होगा रिहाई का वो करीब करीब बाध्य मान लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून में गलत है। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया है, वो जानते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये रिहाई का आदेश हो सकता था, इसीलिए प्रयोग हुआ 142 अनुच्छेद का, जो बना है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए और जो उन विशेष केसेस में लागू होता है जहां और कोई पावर नहीं हो। तो आप एक विशेष प्रावधान संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री के जघन्य हत्या के कांड में। मैं समझता हूँ ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, और इसलिए हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए।